रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर मृतक की लाश कई टुकड़ों में मिली। वहीं रेलवे पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में भिजवाया गया। एक रेलवे कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घोगड़ीपुर फाटक के समीप किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं रेलवे कर्मचारी ने बताया कि मृतक की बाजू पर राणा नाम लिखा हुआ था। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से कोई नहीं आया है। शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जीआरपी पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां ट्रैक पर सुबह 7 बजे दिल्ली अमृतसर गाड़ी आती है, जो पूरी तेज गति से निकलती है, जिसका करनाल में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। उसके नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर दरिया सिंह मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना करते हुए शव को कब्जे में लेकर करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। सुबह 7:30 बजे की एक ट्रेन गुजरती है, वो नॉन स्टॉप ट्रेन है। यहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं है, तो काफ़ी तेज गति से वो गाड़ी यहाँ से निकलती है। तो जैसे ही गाड़ी ये व्यक्ति टकराया है, तो गाड़ी आगे जाके रुकी, उसने देखा भाई इंजर्ड है या मर चुका है, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से सूचना दी है। तो जैसे ही गाड़ी रुकी है, तो हमारे एक सब इंस्पेक्टर दरिया सिंह और आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर दलवीर सिंह मौके पर पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे सूचना दी है, तो उधर से रेलवे से मीमो इश्यू हुई है, तो इसलिए मौके पर पहुँचे हैं। तो यहाँ जाँच की है, तो ये व्यक्ति मौके पर मर चुका है और इसको सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा जा रहा है। तो क्या हाथ पर क्या लिखा? हाथ पे राणा लिखा हुआ है, हिंदी में दाहिने हाथ पे, और सुरमा से गुदा हुआ है। कहाँ की घटना है ये? ये घटना अमृतसर दिल्ली ट्रैक है, अपलाइन कहेंगे हम इसको। किलोमीटर नंबर इसका 120/13 है, जो कि रेलवे स्टेशन करनाल के नज़दीक पड़ता है। घोगड़ीपुर जो पुल है उसके नीचे ये की घटना है ये। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।